बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ गिट एंड गिट हब सीरीज। इस सेशन का जो हमारा मेन मकसद है वो जो गिट बेसिक कमांड्स हैं उससे गो थ्रू करना है, और जो बेसिक सेटअप है गिट का, एक गिट रिपोजिटरी का, लाइक क्रिएटिंग अ गिट रिपोजिटरी, एडिंग फाइल्स टू द गिट रिपोजिटरी एंड एडिंग कमिट्स, और उसके अलावा जो बेसिक गिट कमांड्स हैं इंक्लूडिंग गिट इनिट, गिट एड, गिट कमिट, गिट स्टेटस, गिट लॉग एंड गिट डेफ कमांड्स जो है। सो इन सारे कमांड्स से हम गो थ्रू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक कमांड को हम डिस्कस करेंगे कि इसका मकसद क्या है और प्रैक्टिकली उसको यूज करेंगे अभी यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर राइट नाउ, अच्छा मैं गिट गिट के एक फोल्डर है, जस्ट दिस इज जस्ट अ फोल्डर जो कि मैंने बनाया हुआ है गिट के नाम से, सही है। सो यहाँ पर मैं अपना एक फोल्डर बनाता हूँ, लेट सपोज इसको मैं नाम देता हूँ MK, इसको मैं नाम देता हूँ गिट प्रैक्टिस के नाम से, सही है, एंड CD गिट प्रैक्टिस इसमें जाता हूँ और यहाँ पर, सही है। सो यहाँ पर अब राइट नाउ मैं कहाँ पर हूँ, गिट प्रैक्टिस का फोल्डर है उसमें हूँ, सही है। लेट सपोज आप यहाँ पर, तो मैंने कमांड लाइन थ्रू के जरिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आप कमांड लाइन भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक नॉर्मल जो विंडोज का अगर आपका सिस्टम है तो राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग, सही। और उस फोल्डर के अंदर जाके आप राइट क्लिक करेंगे और गिट बैश करेंगे तो आपके पास गिट बैश ओपन हो जाएगा, सही है। बट राइट नाउ जहां पर आपका प्रोजेक्ट है, लेट सपोज मेरा प्रोजेक्ट गिट प्रैक्टिस में है, ये मेरा प्रोजेक्ट है लेट सपोज, सही है। सो उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके कमांड लाइन के थ्रू और वहां से हमने ये सारे कमांड जमा करने हैं, सही है। अगर आप बाहर किसी और जगह पे हैं, आपका आपका जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है राइट नाउ टर्मिनल पे, अगर वो किसी और लोकेशन पे है सो आपकी रिपोजिटरी भी वहीं पर क्रिएट होगी, सही है। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर है आपकी डायरेक्टरी, आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर आ रही हो, सही है। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन गिट प्रैक्टिस डायरेक्टरी, सो आई एम इन गिट प्रैक्टिस फोल्डर एज वेल। सो जो फर्स्ट कमांड है वो हमारे पास है गिट इनिट का, सही है। यहाँ पर ये सारे कमांड्स मौजूद हैं, इससे आप बाद में देख भी सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा कमांड है, गिट इनिट का, सही है। अब ये क्या क्या बता रहा है कि इनिशियलाइज़ एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एज अ गिट रिपोजिटरी, सही है। अब ये हमारे पास एक गिट रिपोजिटरी क्रिएट करता है गिट इनिट जो है, सही है। अब ये देखें, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस वन, सही है। अब जब आप ये एक गिट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं सो आपके पास यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, लेट सपोज मैं गिट में था एंड यहाँ पर गिट प्रैक्टिस में, यहाँ पर आपके पास एक्चुअली एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो जाता है गिट के नाम से, सही है। अब ये देखें, ये सारी फाइल्स अब गिट से रिलेटेड है, सही है। अब इन सारे फाइल्स के अंदर हमारे पास जो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो प्रोजेक्ट की हिस्ट्री है वो सारी यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स हैं जो गिट यूज करता है, गिट जो टूल है वो यूज करता है, वो हमारी सारी हिस्ट्री यहाँ पर अपने साथ स्टोर रखता है। सो दिस इज हाउ दे स्टोर अवर, जो हम लिखते हैं जो है एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये डॉट गिट के नाम से ये एक्चुअली हमारे पास हिडन फोल्डर होता है, ये आपके पास उस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाता है। सो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अभी ये क्रिएट हुआ है बट ये हिडन होता है, सही है। सो अगर आप मैक पे हैं तो शिफ्ट कमांड और डॉट्स के थ्रू आप इसको अनहाइड कर सकते हैं या हाइड दोबारा से कर सकते हैं। सो मैंने दोबारा से हाइड कर दिया है, और विंडोज में आपको पता है कि आप कैसे फोल्डर को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। सो इस तरह आपको आप इसको जस्ट चेक एक बार चेक कर सकते हैं, सही है। सो राइट नाउ वी आर इन गिट प्रैक्टिस, यहाँ पर हमारे पास एक गिट रिपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राइट नाउ मैं करता हूँ गिट स्टेटस। सो गिट स्टेटस कमांड क्या करता है, गिट स्टेटस हमें करंट स्टेटस बता रहा होता है कि हमारे जो गिट रिपोजिटरी का, हमारे हम जो कोडिंग कर रहे हैं या एक प्रोजेक्ट में जब हम काम कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। अब जब मैं ये रन करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, नथिंग टू कमिट। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने इस रिपोजिटरी के अंदर ना कोई कोड ऐड किया है, ना कोई फाइल ऐड किया है, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, सही। सो मतलब कुछ भी यहाँ पर राइट नाउ करने की जरूरत नहीं है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी फोल्डर के अंदर हूँ तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टेस्ट डॉट txt के नाम से, सही है। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। सो अब इस फोल्डर में मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है, सही है, ये देखें, सही है, टेस्ट डॉट txt। अब जब मैं दोबारा से यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड रन करूंगा सो ये देखें ये क्या बता रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट अनट्रैक्ड फाइल। मतलब आपने एक फाइल ऐड किया है इस फोल्डर में, सही है,
आपका जो प्रोजेक्ट है आपने आपने उसमें एक फाइल ऐड किया है जो अभी तक आपने कमिट या ऐड नहीं किया, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फाइल ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं। अब स्टेजिंग एरिया हमारे पास कौन सा एरिया होता है, स्टेजिंग एरिया हमारे पास वो एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स क्या होते हैं एक गिटहब का जो सॉरी गिट का जो मेन वो है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं प्रोजेक्ट फाइल्स को, अपने फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं, एंड स्टेजिंग एरिया के बाद आप उसको कमिट करते हैं, सही है। स्टेजिंग एरिया में जब आप ऐड करते हैं उसके बाद कमिट करते हैं तो कमिट के साथ आपकी वो जो सारे चेंजेस हैं वो एक मैसेज के साथ स्टोर हो जाते हैं, सही है। अब राइट नाउ आपको आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या बता रहे हैं, अनट्रैक्ड फाइल। जब आपने उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं किया होता तो आपको ये बताता है कि आपने इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं किया, सो प्लीज आप इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं, और साथ साथ आपको ये बता भी रहा होता है कि आपने इसको स्टेजिंग एरिया में कैसे ऐड करना है। सो इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, गिट एड और फाइल का नाम लिखते हैं टेस्ट डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पर हमारे पास जस्ट एक फाइल है सो हम यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। जब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सपोज आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो के एक प्रोजेक्ट है तो उसमें बहुत सारे फाइल्स होते हैं, तो आप उनको एक वन बाय वन सारे फाइल्स को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गिट एड डॉट का कमांड रन करेंगे, तो मतलब उस फोल्डर के अंदर हमने जितने भी फाइल्स क्रिएट किए हैं तो वो सब उन सब फाइल्स को ऐड कर देगा, सही है, स्टेजिंग एरिया में। तो डॉट का कमांड आप क्या करता है, ये जितने भी फाइल्स मौजूद हैं उस हमारे फोल्डर के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसके अंदर उन सारे फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देता है, सही है। जब इसको मैंने ऐड किया है, जहां पर मैं दोबारा स्टेटस कमांड रन करता हूं, सो ये मुझे बताएगा कि न्यू फाइल, आपने एक नया फाइल ऐड किया हुआ है, सही है। चेंजेस टू बी कमिटेड, सही है, अभी तक हमने इसको कमिट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, चेंजेस हमें कमिट करने चाहिए। अब कमिट क्या होता है, कमिट जस्ट हमारे पास लेट्स सपोज आपने किसी अपने कोड को स्टेजिंग एरिया में ऐड किया है, तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं, मतलब प्रॉपरली कंफर्म सेव कर सकते हैं एक मैसेज के साथ, सही है। सो हम यहाँ पर अब जो हमने फाइल ऐड किया इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमिट करता हूँ, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं गिट कमिट डैश एम, और डैश एम के बाद हम यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, सही है। लेट्स सपोज आपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ना, आप एक नया फाइल आपने क्रिएट किया है, लेट्स सपोज एक नया स्क्रीन आप बना रहे हैं तो आपने उसके लिए एक नया क्लास क्रिएट किया है, तो आप जस्ट उसमें लिख सकते हैं कि यार दिस क्लास क्रिएटेड, सही है, और दिस फाइल क्रिएटेड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एम टी टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल एडिट, और इसको एंटर कर दें, सही है। तो ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको कमिट के बाद आपको सारा वो समरी बता देता है कि इसमें क्या हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली। सो यहां पर आपको ये सारी हिस्ट्री उसने बता दी कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या हुआ है, सही है। ये देखें, ये आपको सारी वो हिस्ट्री बता रहा है कि अब वन फाइल चेंज्ड, मतलब आपने इसमें एक फाइल ऐड किया है, जीरो इंसर्शंस, जीरो डिलीशन, मतलब आपने इसमें कोई कोई ना टेक्स्ट कोई एक लाइन ऐड किया है ना आपने इससे रिमूव किया है, जस्ट आपने एक एम्प्टी फाइल इसमें ऐड किया है, सो दिस इज व्हाट इट शोज। तो हमने यहां पर अभी गिट इनिट गिट ऐड और गिट कमिट का और गिट स्टेटस का कमांड ट्राई किया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो फाइल मैंने ऐड किया है इस फोल्डर के अंदर, ये देखें ये मेरे पास फाइल था, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, सही है। लेट सपोज को मैं लिखता हूँ कि फीचर वन डन, इसको जब आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं यहां पर दोबारा से आऊंगा, यहां पर हम दोबारा से आते हैं और यहां पर दोबारा से स्टेटस देखते हैं, गेट स्टेटस, सही है। तो अब यहां पर ये मुझे बता रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, सही है, मतलब हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, सही है, जो कि अभी तक और ये बता रहा है कि मॉडिफाइड test.txt, मतलब जो test.txt का फाइल है आपने उसको मॉडिफाई किया है, सही है। सो आप क्या करें, उसको ऐड कर दें स्टेजिंग एरिया में। सो हम क्या कर देते हैं, गेट ए डेट डॉट गेट कॉमेट डैश एम, इसको मैं लेता हूं कि फीचर वन डन, सही है। तो ये क्या क्या बता रहा है कि फीचर वन डन, जो अब हमारा कॉमेट मैसेज था ये है, वन फाइल चेंज्ड वन इंसर्शन, मतलब हमने एक लाइन इसमें ऐड किया है, सो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग कि आपने हमने एक यहां पर एक लाइन ऐड किया है। सो यहां पर यहां तक हमारे हमने अभी तक दो कमिट्स ऐड किए हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है गिट लॉग।
अब गिट लॉग क्या करता है, गिट लॉग आपको, आप जिस ब्रांच में काम कर रहे हैं उसका आपको कमिट्स हिस्ट्री बताता है कि आपने यहाँ पर इतने इसमें कितने कौन कौन से कमिट इसमें ऐड किए हैं, सही है। अब ये नहीं कि जब मैंने गिट लॉग का कमांड रन किया है तो ये मुझे बता रहा है कि आपने एक कमिट किया था, सो विच वॉज दिस वन, आपने जो फर्स्ट कमिट किया था वो कौन सा था। ये कमिट का हर एक कमिट के साथ अपना एक ट्रैकिंग, हर हर एक कमिट के साथ अपना एक कोड होता है, सही है। हर एक कमिट को एक कोड असाइन होता है जिसके थ्रू हम उसको बाद में फिर चेंज भी कर सकते हैं इन कमिट्स को। सो ये कमिट का जो कोड था वो ये है, कमिट की जो की है वो ये है हमारे पास। इस कमिट का आतर कौन था, आतर हारून खान था, उसका ईमेल ये है, मतलब आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा है, जिस डेट को ये कमिट हुआ था, जिस डेट एंड टाइम को, वो सारा टाइम भी आपको बता रहा है और आपको वो मैसेज भी देता है जो आपने साथ में मैसेज ऐड किया था, सही है। सो इस तरह आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से चेंजेस किए थे। लेट सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और कल रात को आप बहुत लेट तक उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और आप साथ में सो गए थे, प्रोजेक्ट काम करते हुए सो गए थे, सही है। सो जब सुबह को उठते हैं आपको ये नहीं पता कि मैंने प्रोजेक्ट में कहाँ तक काम किया था और आपने लेट सपोज कमिट्स किए थे, तो आप दोबारा कमिट्स ओपन करके आप देख सकते हैं कि हाँ यार मैंने यहाँ तक कोड अपना कमिट किया था और उसके बाद मेरा कोड कमिट नहीं है, तो आप फिर उसके बाद अपना कोड कंप्लीट करके उसको कमिट करके फिर अगर आप गिटहब पे पुश करना चाहें तो उसको पुश कर सकते हैं। सो गिट लॉग क्या करता है, आपको वो कमिट हिस्ट्री बताता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गिट लॉग के साथ हम एक और ऑप्शन भी लगा सकते हैं, गिट लॉग डैश डैश वन लाइन, तो आपको ये वन लाइन में बता देगा कि आपके पास कौन कौन से कमिट ऐड हुए हैं, सही है। जस्ट आपको फिर यहाँ पर ये बता देता है कि ये एक कमिट था, सही है, और इसका ये फीचर वन नाम है एंड सॉरी फीचर वन इसका मैसेज था, इसके साथ हमने ये वाला मैसेज ऐड किया था, सही है। सो गिट लॉग एक्चुअली एज अ होल समरी क्या है कि गिट लॉग आपको, आपने जो गिट में आपने जो चेंजेस किए थे, जो कमेंट्स आपने किए हैं, उसकी आपको हिस्ट्री बता देता है स्टेप बाय स्टेप, सही है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी दोबारा से इस फाइल में आता हूँ, सॉरी दैट्स नॉट द फाइल, अब यहाँ पे दोबारा से उस फाइल में आता है, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, फीचर टू डन, सही है, इसमें मैं ऐड करता हूँ फीचर थ्री इन प्रोग्रेस, इसको जब मैं सेव करूंगा और यहां पर इस गिट में आऊंगा, वेयर इज गिट, गिट स्टेटस, तो ये बता रहा है कि आपने ये फाइल मॉडिफाई किया है, सही है। अब ये फाइल तो मेरे पास आ रहा है कि आपने ये फाइल मॉडिफाई किया है, बट अगर मैंने देखना है कि मैंने मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ पर की है, सही है। लेट सपोज आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट में कोई मसला आ गया, अब आपको ये नहीं पता कि आपको ये तो बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर मॉडिफिकेशंस की हैं, बट आपको ये तो नहीं बताएगा कि आपने किस लाइन पर मॉडिफिकेशन किया राइट नाउ, अभी यहाँ पर ये नहीं बता रहा, सही है। तो उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कमांड है गेट डेफ, तो गेट डेफ क्या करता है, आपको फाइल बाय फाइल बताता है कि आपने कौन कौन से फाइल में किस किस फाइल में आपने चेंजेस किए हैं। अब ये बता रहा है कि ये फाइल आपने रिमूव किया है, ये लाइन आपने रिमूव किया है और आपने ये तीन न्यू लाइन इसमें ऐड किए हैं, सही है। असल में आप हमारे पास जो जो सेव का सिस्टम होता है वो ये होता है कि ये जो फाइल था इसको दोबारा से रीसेव कर लो, तो इस वजह से हमारे पास ये बता रहा है कि ये लाइन हमने रिमूव किया था, सही है। असल में ये जो मैक में जब आप काम करते हैं तो ये सर आपको हिस्ट्री बताता है, ये आपको ये नहीं बताता कि हमने ये कम ये लाइन हमने आपने इसी तरह छोड़ा, उसके बाद आपने जो दो लाइन थे वो आपने नहीं ऐड किए हैं, बट आपको ये एज अ होल बताता है कि ये लाइन रिमूव हुआ था एंड आपने ये तीन न्यू लाइन यहाँ पर ऐड किए हैं। इस तरह ये अभी ये था कि गिट डिफ का जो कमांड है वो यहाँ पर हमें डिफरेंस का बता रहा है कि हमारा पहले कोड क्या था और अभी कोड हमारे पास क्या है, सही है। अब ये देखें ये क्या बता रहा है, पहले कोड हमारे पास ये था इस फाइल के अंदर, अभी इस फाइल के अंदर हमारे पास कोड ये वाला है, सही है। दिस इज हाउ ये जो बेसिक कमांड है ये काम करते हैं, सही है। मैं दोबारा से गिट स्टेटस कमांड रन करता हूँ, ये मुझे बता रहा है कि हमने ये फाइल मॉडिफाई किया है, अगर आपने प्रॉपर देखना है कि कौन सा फाइल कहाँ कहाँ पर चेंज हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सही है। मैं क्या करता हूँ, गिट एट को इसको मैं ऐड करता हूँ स्टेजिंग एरिया में एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कमिट करेंगे फीचर टू डन एंड फीचर थ्री इन प्रोग्रेस। अब ये मुझे क्या बता रहा है, वन फाइल चेंज थ्री इंसर्शंस वन डिलीशन, मतलब वो फर्स्ट लाइन, ये जो इंटरनल सेविंग का सिस्टम जब सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन रिमूव करके तो उसको दोबारा से ऐड कर देता है, सो दैट्स व्हाई ये बता रहा है कि ये लाइन रिमूव हुआ है, अदरवाइज एक्चुअली हमने यहाँ पर रिमूव नहीं किया था, ये एक्चुअली जो इंटरनल सेव का सिस्टम सेव कंट्रोल है इसका, ये कुछ इस तरह करता है मैक का। ये बता रहा है कि थ्री लाइन आपने इंसर्ट किए हैं, वन लाइन आपने डिलीट किया है,
ये हमारा कुछ बेसिक सेटअप था। ओवरव्यू हमारे पास ये है, दोबारा से ओवरव्यू करते हैं जो हमने आज अभी इस सेशन में डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने गिट इनिट का कमांड डिस्कस किया है। तो गिट इनिट क्या करता है, हमें एक एम्प्टी रिपोजिटरी, गिट की एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट करता है। अब रिपोजिटरी हमारे पास क्या है, रिपोजिटरी में हमारे पास वो सारी हिस्ट्री मौजूद होती है, सही है। इसके बाद हमने जो गिट स्टेटस का कमांड चेक किया है, टेस्ट किया है। सो गिट स्टेटस क्या करता है, हमें करंट स्टेटस बता रहा होता है कि अभी करंट स्टेटस क्या है। गिट एड के थ्रू हम स्टेजिंग एरिया में फाइल एड कर सकते हैं। गिट डेफ के थ्रू हम डिफरेंसेस देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंसेस क्या है, कहां कहां पर हमने चेंज किया है। एंड देन गिट कमिट क्या करता है, कमिट योर स्टेज्ड कंटेंट एज अ न्यू कमिट स्नैपशॉट, सही है। तो ये क्या करता है, हमें एक नया स्नैपशॉट क्रिएट करता है, मतलब एक और कॉपी आपके लिए क्रिएट कर देता है, सही है। अब ये जो कमिट्स क्रिएट होते हैं, ये आपके पास अलग अलग स्नैपशॉट्स क्रिएट होते हैं। स्नैपशॉट्स हमारे पास क्या है, स्नैपशॉट्स हमारे पास एक कॉपीज हैं आपके कोड के, सही है। अब यहां पर अगर आप देख लें, मैं यहां पर गिट लॉग का कमांड रन करता हूं, गिट लॉग। तो यहां पर ये देखेंगे हमारे पास अलग अलग स्नैपशॉट्स क्रिएट हुए हैं, मतलब स्नैपशॉट का मतलब ये कि हमारे पास कोड के अलग अलग कॉपीज क्रिएट हुए हैं यहां पर, सही है। सो मैं किसी भी टाइम इसको रिमूव करके इस स्नैपशॉट पे जा सकता हूँ, सही है। इस स्नैपशॉट को मैं रिमूव करके इस पे जा सकता हूँ, या इन दोनों को रिमूव करके मैं स्नैपशॉट पे जा सकता हूँ, सही है। सो ये हमारे पास एक्चुअली अलग अलग कॉपीज इसमें इंटरनली क्रिएट होते हैं। एंड देन उसके बाद हमने गिट लॉग का कमांड देखा है, तो गिट लॉग का भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे सेशन, फॉर दिस सेशन राइट नाउ। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द ब्रांचिंग, सो उसमें हम इंशाल्लाह ब्रांचिंग वगैरह डिस्कस करेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।